हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको साड़ी से 8 से 10 साल की लड़की का अप और डाउन फ्रॉक बनाना बताएंगे। देखिए, 1 मीटर पल्लू की साइड से हम कपड़े को निकाल देंगे इस प्रकार से साड़ी का, और उसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। फिर देखिए इस प्रकार से, और फिर हम एक बार और इसको फोल्ड कर देंगे पूरी को। उसके बाद हम पीछे की साइड के हिसाब से मार्किंग करेंगे। पीछे हमारे 32 इंच की लंबाई है, 32 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करके हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद से हम देखिए इसको 4 फोल्ड में यहाँ पे कट लगाएंगे बीच में। फिर इसको डबल फोल्ड में यहाँ पर हम जो हमारा डबल फोल्ड है उसके ऊपर मार्किंग करेंगे 27 इंच की। यहाँ पर जो आगे का पार्ट बनेगा हमारा, जो ऊपर की साइड जाएगा, देखिए इस प्रकार से ऊपर से इतना डाउन करेंगे हम कपड़े को। और जो हमने कट लगाया है, देखिए जो हमने कट लगाया है, जितना हमारा आगे की साइड आएगा उसको हम इस प्रकार से लंबाई में मार्किंग कर लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद टॉप पार्ट की इस प्रकार से कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की लंबाई मैंने 13 इंच ली है इस प्रकार से। शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच की। आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच की। बॉक्स बना देंगे। आर्म होल्स में गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। और जो हमारे सीने की नाप है उसके चौथे हिस्से की यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, और प्लस 2 इंच हम मार्जिन के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। कमर हमारी 22 इंच है तो उसका हम चौथे हिस्से पर निशान लगाएंगे, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। स्ट्रेट पट्टी से हम इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर देंगे और कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए जो हमारा दामन में से ऊपर की साइड कपड़ा निकला साड़ी में से, दोनों साइड से ये ओपन है क्योंकि हमें चैन लगानी है इसके अंदर, तो चलेगा। ये देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग करके। आगे वाले पार्ट के आर्म होल्स में हम 1/2 इंच की गहराई दे देंगे इस प्रकार से। टॉप पार्ट के अस्तर की कटिंग करेंगे इस प्रकार से। देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड में ले लिया है, और अब हम इसका बैक पार्ट रखेंगे इसके ऊपर और उसके नाप से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, और आगे वाले पार्ट को इस प्रकार से रखेंगे हम और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब हम दामन के लिए अस्तर लेंगे। देखिए मैंने इसको, इसकी जो चौड़ाई है वो बराबर आ रही है। इसकी लंबाई मैं लूंगी 25 इंच। डबल फोल्ड है देखिए इस प्रकार से, कट कर लूंगी मैं इसको और इसको बीच में से भी कट कर दूंगी। बाद में हम इसको लंबी साइड से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम आगे वाले पार्ट को, टॉप पार्ट को देखिए इस प्रकार से अस्तर के साथ में लेंगे इसको और गले की मार्किंग करके कट कर लेंगे। गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली है 2.5 इंच और गहराई लंबाई मैंने ली है 3 इंच। बॉक्स बना के गोलाई देके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक सिलाई हम यहाँ पर आर्मोल्स में लगा लेंगे, दोनों पार्ट में इसी प्रकार से लगा लेंगे।
इसको भी हम सीधा करके एक एक सिलाई इसके ऊपर इस प्रकार से लगा लेंगे। दोनों पार्ट को इस प्रकार से देखिए सेट कर लेंगे। दोनों पार्ट पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम देखिए इनको फेस करके इस प्रकार से रखेंगे और आगे वाले पार्ट को हम इस प्रकार से इसके ऊपर सेट करके रख के जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा उसको छोड़ के मैं यहाँ पर इसकी 2.5 इंच की मार्किंग कर रही हूँ पीछे वाले गले की और कट कर लेंगे इस कपड़े को। उसके बाद देखिए मैं इसके ऊपर इस प्रकार से चैन कर रखूँगी और एक सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर। चैन को मैंने यहाँ पर उल्टा रखा है देखिए इस प्रकार से, और अब मैं दूसरी पार्ट को भी इस प्रकार से सील लूँगी, डबल सिलाई लगाऊंगी क्योंकि एक सिलाई हम बिल्कुल पास पास से लेंगे बाद में। आगे से डाउन किया था उस हिस्से को हम उठाएंगे और इस प्रकार से सल भरेंगे। देखिए बीच में से आगे की साइड से पीछे से हमारा ओपन पड़ा है अभी, उसको बाद में सिलाई लगाएंगे। सेंटर पार्ट से हमने ये शुरू की है और सारी सलवट इस प्रकार से हम डाल देंगे। देखिए आधे हिस्से में हमारी ये इस प्रकार से सल डल चुकी है। आधे हिस्से में हम बैक साइड से इस प्रकार से शुरू करेंगे सल डालनी, जो हमारा पार्ट ओपन पड़ा है अभी बाद में अटैच करेंगे इसको। उधर से हम इस प्रकार से सल डालते हुए हम सेंटर पार्ट तक आगे तक जाएंगे जहाँ से हमने पहले स्टार्ट की थी सल डालनी। पूरी सल देख लेना एक बार, उसके बाद समझ आएगा। देखिए पूरी सल डल चुकी है और सेंटर पार्ट हमारा कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। और अब हम इसके ऊपर देखिए टॉप पार्ट को रखेंगे सेंटर पार्ट में इस प्रकार से, दोनों को फेस करते हुए, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। बेल्ट हमारा अटैच हो चुका है। पीछे से जो लंबी सिलाई लगानी थी वो भी मैंने लगा दी है। अब देखिए मैं बेल्ट बनाऊंगी, उसके लिए मैंने टॉप के जितनी लंबी पट्टी ली है और उसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। एक साइड से मैंने इसको ऊपर से फोल्ड कर लिया, फिनिशिंग दे दी है। अब मैं इसके साइड में इस प्रकार से 3 सल्फ डाल के और उसके ऊपर सिलाई दे दूंगी। दूसरी साइड भी इसी प्रकार से फिनिशिंग के साथ देखिए मैं 3 सल्फ और डाल के उसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। एक सिलाई हम सेंटर पार्ट में भी लगाएंगे।
पार्ट के आगे की साइड हम इसको अटैच कर देंगे इस प्रकार से नीचे। यहाँ पर हमने तीन सिलाई लगाई है, तीनों जगह से वहीं पर हम इसको अटैच भी करेंगे। देखिए बाजू हमारी टोटल 9 इंच की बनके तैयार होंगी। 3 इंच की मैंने आगे पट्टी ली है और मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा बाजू की कटिंग की है इस प्रकार से। अब मैं इसमें देखिए इस प्रकार से सेंटर पार्ट में जो हमने कट लगा रखा है उसके ऊपर यहाँ पे 3 चुन्नट डाल के उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी और 3 चुन्नट और डालेंगे इसकी साइड फेस करते हुए, डबल सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। जो आगे की पट्टी हमने फिनिशिंग के साथ तैयार कर रखी है उसको हम इस प्रकार से सेंटर पार्ट में रखते हुए अटैच कर देंगे। अच्छा लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर 3 बटन अटैच करूंगी। हमारी बाजू बनकर रेडी है। अब टॉप पार्ट के मैंने गले की सिलाई लगाई थी वो निकाल दी है और बाजू को देखिए इस प्रकार से फेस करते हुए इस प्रकार से हम अटैच कर देंगे। दूसरी बाजू को भी इसी प्रकार से कर देंगे। अब देखिए मैं 4-4 इंच की 2 पट्टियां ले रही हूँ, इनकी लंबाई है लगभग 25 इंच। दोनों पट्टियों को मैंने कट कर लिया, इस प्रकार से मैं सिलाई लगा दूंगी इनके ऊपर। दोनों पट्टियों के ऊपर मैं सिलाई लगा लूंगी। किसी नुकीली चीज से इनको हम सीधा कर लेंगे दोनों पट्टियों को। उसके बाद देखिए हमने बाजू अटैच कर रखी, टॉप पार्ट को इस प्रकार से हम ऊपर से लेकर नीचे तक सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाते टाइम देखिए हमने जो 2 पट्टी बनाई है उनको टॉप पार्ट में इस प्रकार से हम नीचे की साइड अटैच कर देंगे इनको भी। दोनों पट्टियों को दोनों साइड इसी प्रकार से अंदर की साइड अटैच कर देंगे। देखिए हम दामन को सीधा लेंगे और हमारा जो टॉप पार्ट है वो उल्टा है और सेंटर पार्ट को आगे से मिलाते हुए इस प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। अब हम अस्तर को लेंगे, टॉप पार्ट में हमारी सिलाई लग चुकी है। अस्तर को देखिए इस प्रकार से लंबाई में हम जॉइंट करके इसमें हम बड़ी सल डाल देंगे, बड़ी बड़ी सल डालेंगे देखिए दूर दूर। उसके बाद देखिए हम इस प्रकार से हम अटैच करेंगे। बैक साइड से हम स्टार्ट करेंगे, बैक साइड के सेंटर पार्ट से थोड़ा सा देखिए 2-3 इंच छोड़ते हुए फिर हम इसको अटैच करेंगे ताकि बाद में अगर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचे तो उसमें हम एक चुन्नट और डाल देंगे। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है तो हम इनको पहले तो इस प्रकार ज्वाइंट करेंगे
और फिर एक चुनट और डाल के हम इसको देखिए सिलाई लगाएंगे। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, कमेंट करें अगर आप कहीं पर कंफ्यूज हुए हो तो। और ये है हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।